टोनी देवी के ननोट गांव की महिला ने सरकारी रास्ते पर अवैध तरीके से लेंटर डालकर आने जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है, जिसको लेकर गांव वालों ने मिलकर डीसी हमीरपुर देव श्वेता बनी को ज्ञापन सौंपा। गांव वालों ने बताया कि सरकारी रास्ते पर लेंटर डालने से आने जाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर गांव वालों ने हमीरपुर उपायुक्त से गुहार लगाई है कि इस समस्या को जल्द हल किया जाए। आपको बता दें कि ननोट गांव की आबादी लगभग 700 के करीब है। उन सभी लोगों को रोके गए रास्ते से आने जाने और पशुओं को चारा लाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव वालों ने बताया कि उपप्रधान के मौके पर पहुंचने पर भी महिला ने सरेआम सरकारी रास्ते पर लेंटर डाल दिया। गांव वालों ने बताया कि ननोट गांव के एक परिवार ने आने जाने वाले सरकारी रास्ते पर लेंटर डाल दिया है, जिससे गांव के लोगों को आने जाने और पशुओं को चारा लाने के लिए काफी दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर उपायुक्त से इस समस्या को लेकर गुहार लगाई है ताकि इस समस्या को सुलझाया जा सके। उन्होंने कहा कि डीसी हमीरपुर ने आश्वासन दिया है कि एसडीएम को मौके पर कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा और इस समस्या का निपटारा किया जाएगा। हम गांव ननोट के वासी हैं। डीसी महोदय मैडम से मिलने आए थे और एक समस्या लेके आए थे कि हमारे गांव में एक परिवार श्रीमती शीला सिंह बाईपास नदी के पास है, अवैध रूप से सरकारी साधन रास्ते पे कब्जा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम सब समस्त गांव वासियों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने की दिक्कत हो रही है। बाकी पशु वगैरह उनको चराने की दिक्कत, घास लाने के लिए दिक्कत हो रही है। तो ये सब हमने निवेदन किया है मैडम महोदय से और मैडम महोदय ने आश्वासन दिया कि अभी एसडीएम को तुरंत कार्रवाई के लिए हमारे गांव में भेज रहे हैं और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हमें भी मान्य होगी। हम प्रशासन का सहयोग चाहते हैं और अपनी जिंदगी सुख चैन से रखना चाहते हैं।